सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता, सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता, विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। माननीय परीक्षक महोदय और इधर यहाँ बैठे हुए सभी मेरे मित्र और मैत्रिणींनो, मैं सुहाना थोटे यह कक्षा 8वीं की विद्यार्थिनी आज एक विषय लेके आई हूँ जिसका नाम है महान व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा। प्रेरणा जो हमें महान व्यक्तियों से मिलती है जिससे इंसान आगे बढ़ता है, सवरता है और निखरता भी है। महान व्यक्तियों के जीवन से प्रेरणा मिलना यानी मानो मनुष्य ने जीते जी स्वर्ग देख लिया हो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने देखा है जो इंसान गिर के भी उठता है, जो इंसान गिर के भी खड़ा होता है वो आज अपनी ज़िंदगी में सफल है और शायद ही और वही इंसान आज महान है और शायद ही यही महानता उनकी पहचान है। हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ऐसे हजारों प्रेरणादायक व्यक्ति है जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने हमें हर स्त्री को माँ का दर्जा देना सिखाया। हमें प्रेरणा सिर्फ महान व्यक्तियों की से नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति से मिलती है जिनसे हम आज सफल है। हमें अपने माँ बाप से प्रेरणा मिलती है जिनके वजह से मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ। मुझे हर उस व्यक्ति के जीवन से प्रेरणा मिलती है जो हम मुझे मेरे हर एक उस जीवन के हर उस व्यक्ति के जीवन से प्रेरणा मिलती है जिनके वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आज मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। महात्मा गांधी जिन्होंने हमें शांतता का महत्व बताया, धैर्य और संयम से खड़े रहकर हर कठिनाइयों का सामना करना सिखाया। हमने सीखा है 999 बार असफल होने के बाद भी 1000वें प्रयास में सफलता पाने में अगर न्यूटन हमारी ज़िंदगी रोशनी से भर सकता है तो वही न्यूटन आज हमारे लिए प्रेरणा भी बन सकता है। महात्मा फुले जिन्होंने हर स्त्री को पढ़ने के लिए दरवाजे खुले किए, विनोबा भावे जिन्होंने हमें मानवता का महत्व बताया और वही इंसान हमारे लिए आज प्रेरणादायक है। और यही बोलना चाहूँगी, मासूम मत होना जिंदगी से कभी भी, किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है। मासूम मत होना जिंदगी से कभी भी, किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। धन्यवाद।